हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की होता है द मैट्रिक्स obtained by the matrix obtained from a given matrix A कोई matrix A जड़ी given है by interchanging its rows and columns। रोज ते कॉलम्स नूं अगर अस आपस च चेंज कर दिए ते वो बन जाती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ते इनू डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, टी लगा के, ठीक है, ए ट्रांसपोज बोलते हैं। जिस तरह हम सपोज करो लेट ए मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4 5 6। हम सानू पता है ऑर्डर किन्ना, ऑर्डर हो गया एदा 1 2 3 रोज दिया तो 2 कॉलम है, 3/2। हूँ अगर असी लिखना हो ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कि बराबर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का मतलब है कि यदि रोज़ नू कॉलम च चेंज कर दो ते कॉलम नू रोज़ च, यानी रो है 1 2 ते कॉलम बन जाएगा इस तरह 1 2, नैक्सट रो फिर नैक्सट कॉलम बन जाएगा 3 4 5 6, एन असी बोलते हैं ए ट्रांसपोज। हूँ यदा ऑर्डर की हो जाएगा, इनिया रोज़ कि हो गई 2, कॉलम हो गए 3, यदा ऑर्डर हो जाएगा 2/3। इन आप बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ये बराबर होगी। अगर असी डबल ट्रांसपोज कर दिए यदा मतलब ये दोबारा फिर रोज़ नू कॉलम चेंज कर देंगे 1 3 5, ए रोज जी कॉलम चेंज होगी 2 4 6। हूँ फिर देखो ध्यान ना, ये ऑर्डर कितना है 3/2 ऑर्डर बन गया, और ये एलीमेंट जोड़े सेम मैट्रिक्स ए वकन है, मैट्रिक्स ए हैगी 1 2 3 4 5 6, इस तरह ही 1 2 3 4 5 6 सेम बन गई। दिस इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ये भी याद रखना तुसी, ठीक है, कि डबल ट्रांसपोज जोड़ा वै दोबारा फिर मुड़ के वही ए मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज द सम ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ए पार्ट वन है। सॉल्यूशन लेट असी सपोज कर लेने, लेट ए मैट्रिक्स हैगी है, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 7 3 1 4, बी मैट्रिक्स है 5 1 -3 -2 5 8, यह हैगी बी मैट्रिक्स। हुण आपां निकालना ए प्लस बी दा ट्रांसपोज, मतलब पहले असी प्लस करांगे ए प्लस बी, पहले दोनों का सम कढ़ांगे कितना आया, ठीक है, यदा सम आ जाएगा क्योंकि यदा ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम हो तो मतलब असं ऐड कर सकते हैं कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स ऐड करने हैं, 2 + 5 हो जाएगा 7, 3 + 1 4, 7 - 3 4, 3 - 2 1, 1 + 5 6, 4 + 8 12, 4 + 8 कितना हो जाएगा
प्लस एट हो जाएगा 12। यह ऑर्डर जोड़ा सेम रहा, ऑर्डर फिर यदा भी कि मैं 3/2/3, यदा ऑर्डर भी सेम है, वह भी 2/3 है, वह भी 2/3 है। हुण असी निकालना यदा ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हुण जिहड़े रोज़ आ कॉलम चेंज हो जाएंगे, 7, 4, 4, 1, 6, 12। ऑर्डर हो गया 3/2। ऑर्डर जरूर नाल नाल लिखी जाओ ताकि तुहानू ध्यान च रहे कि ऑर्डर किस तरह करना सी। ए आ गई तुहाडी लैफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 7, 1, 4, 6, 4, 12। नैक्सट असीं निकालांगे हुण राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की है, उन्हें क्या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले असी ए दा ट्रांसपोज करिए, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कि बराबर आ जाएगा, हुण देखो ध्यान ना, ए कि बराबर है 2, 3, 7, 3, 1, 4। यदा मतलब 2, 3, 7 जड़ा हुण असी कॉलम के अकॉर्डिंगली लिख लाँगे, इत्थे आ जाएगा 2, 3, 7। नैक्सट है 3, 1, 4, रो है एक बन जाएगा कॉलम 3, 1, 4, ये आ गया तुहाडे को ए ट्रांसपोज। इस तरह नैक्सट है बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज भी सेम रोज़ नूं कॉलम च चेंज कर जाएंगे। पहली रो है 5, 1, -3, यदा मतलब पहला कॉलम हो जाएगा 5, 1, -3, सैकेंड कॉलम हो जाएगा -2, 5, 8, -2, 5, 8। यह हो गया नैक्सट मैट्रिक्स। हुण इहनां दा असी सम कर देंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, उन्हें क्या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों का सम कढ़ा। सम कढ़ का मतलब है कि कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स असी जोड़े है ऐड कर देंगे, 2+5, 7, 3-2, 1, 3+1, 4, 1+5, 6, 7-3, 4, 4+8, 12। ठीक है, हुण ध्यान ना देखो राइट हैंड साइड, जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड सी वह भी तुहाडी यही सी 7, 1, 4, 6, 4, 12, तो यह भी तुहाडी सेम बन गई 7, 1, 4, 6, 4, 12। यह जिहड़ी तुहाडी बनी है बनी बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इहदा मतलब लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड जिहड़े तुहाडे दोनों की हो गए बराबर हो गए। देयरफोर लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सैकेंड पार्ट है बेटा कि अगर असी किसी कॉन्सटेंट ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि जोड़ा कॉन्सटेंट है वो एज इट इज़ ही रहना, वह ट्रांसपोज जोड़ा वो जिस तरह हम कॉन्सटेंट वेयर के इज एनी इंटीजर, ठीक है, वेयर के इज एनी इंटीजर, क्यों के कोई भी इंटीजर होवे तो मतलब अगर 3 है तो ट्रांसपोज भी 3 ही रहना। लैट के इज इक्वल टू 3, ए मैट्रिक्स कोई तो गिवन है वो है 2, 3, 5, 7, 2/2 है कोई मैट्रिक्स, ठीक है। हुण असी पहले लैफ्ट हैंड साइड निकालांगे के इंटू ए, पहले के ए निकालांगे फिर यदा ट्रांसपोज निकालना, के ए ट्रांसपोज यदा मतलब के एज इट इज़ आ गया, नैक्सट आ जाएगा ए ट्रांसपोज, के दी वैल्यू हैगी 3, ए ट्रांसपोज यानी कि 2, 3, 5, 7, ये उपर हले मैं ट्रांसपोज लगाया क्योंकि हले मैं सॉल्व नहीं किया इस करके ये बार ट्रांसपोज लगाता, ए लिख के ये उपर ट्रांसपोज आ गया। जो सॉल्व करांगे ट्रांसपोज नो रोज़ जड़ियाँ कॉलम से चेंज हो जाएंगे 2, 3, 5, 7। हुण इन्हां मल्टीप्लाई करांगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगी 3, 2, 6, 3, 5, 15, 3, 3, 9, 3, 7, 21। यह बन गया बेटा तुहाडा के ए ट्रांसपोज। नैक्सट आपां निकालना है के ए ट्रांसपोज, एक्चुअली आपां के ए ट्रांसपोज हले निकालना है, एह आपां राइट हैंड साइड निकाल ली, पहले राइट हैंड साइड तुहाडी निकल आई के ए ट्रांसपोज के बराबर आ गई।
नैक्सट असी लैफ्ट हैंड साइड देखो, लैफ्ट हैंड साइड जी तड़ी है दोबारा निकालेंगे के ए, यदा ट्रांसपोज निकालना, यदा मतलब पहले के नू ए ना मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है। ए बार ट्रांसपोज है, के नू ए ना मल्टीप्लाई करांगे, वो बन गया के दी वैल्यू हैगी है, यानी है थ्री, थ्री इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि थ्री इंटू ए ट्रांसपोज बार आएगा, पहले थ्री नू मैट्रिक्स ए ना मल्टीप्लाई करांगे, थ्री टू दा सिक्स, थ्री थ्री दा नाइन, थ्री फाइव दा फिफ्टीन, थ्री सैवन दा ट्वेंटी वन, सारे दा ट्रांसपोज। हूँ ट्रांसपोज नू सॉल्व करो, ट्रांसपोज का मतलब है कि इन रोज़ नू कॉलम से चेंज कर दो, सिक्स नाइन फिफ्टीन ते ट्वेंटी वन, सेम आ गई। यदा मतलब लैफ्ट हैंड साइड, देयर फोर लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड की हो गई हैं बराबर हो गई हैं। नैक्सट हैगा बेटा रिवर्सल ला, नैक्सट है रिवर्सल ला, रिवर्सल ला, रिवर्सल ला मीन्स कि जो दो मैट्रिसेस नूं असीं मल्टीप्लाई करते हैं तो आ ट्रांसपोज लेना, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इनू असीं बोलते हैं रिवर्सल ला। मेरी वेरीफिकेशन देखो, वेरीफिकेशन वास्ते लैट असी कोई मैट्रिक्स ए ले ली, टू थ्री फाइव सिक्स, बी मैट्रिक्स ले ली अपा थ्री फाइव वन एट, हूँ आप ए बी मल्टीप्लाई करांगे, ए बी मल्टीप्लाई, फिर उस तो बाद दोनों का ट्रांसपोज करांगे, ए बी दी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन पहले चेक करो पॉसिबल है, क्योंकि ए भी टू बाय टू है, ए भी टू बाय टू है, तो मल्टीप्लीकेशन ये कॉलम तो रोज़ बराबर है, आंसर भी टू बाय टू आएगा, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन जी पॉसिबल है उसी सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स नो मैट्रिक्स ना जो करना है तो फस्ट रो नो पहले फस्ट कॉलम ना मल्टीप्लाई करांगे, टू थ्री दा सिक्स प्लस थ्री वन दा थ्री, फिर फस्ट रो नो सेकंड कॉलम ना, टू फाइव दा टेन प्लस थ्री एट दा ट्वेंटी फोर, नैक्सट सेकंड रो नो फस्ट कॉलम ना, फाइव थ्री दा फिफ्टीन प्लस सिक्स वन दा सिक्स, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्स एट ज़ा फोर्टी एट, ठीक है, सिक्स एट ज़ा फोर्टी एट। हूँ असी इनू सिंपलीफाई कर लीए, छे तो तीन हो गए नौ, दस प्लस चौबी हो गए चौंती, पंद्रह तो छे इक्की, अठ पाँच तेरह, चार तक पाँच दो सत्त, सैवनटी थ्री आ गया। नैक्सट हम तड़ी देखो लैफ्ट हैंड साइड जी है वह है ए बी दा ट्रांसपोज, यानी पहले ए बी की मल्टीप्लीकेशन की फिर ट्रांसपोज लिया, वो बन गया नाइन थर्टी फोर ट्वेंटी वन तो सैवनटी थ्री, यह बन गया ए बी ट्रांसपोज। हूँ नैक्सट असी निकालना बी ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज, पहले बी ट्रांसपोज निकाली कि आएगा, बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई तेरे को, बी की वैल्यू सी थ्री फाइव वन एट, फस्ट रो चेंज विद फस्ट कॉलम, थ्री फाइव वन एट, हूँ लो ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए जड़ा वा टू थ्री फाइव सिक्स के बराबर है, फस्ट रो टू थ्री है, यदा मतलब फस्ट कॉलम बन जाएगा टू थ्री, सेकेंड कॉलम बनेगा फाइव सिक्स, ए होगी जी ट्रांसपोजिशन। हूँ नैक्सट असी निकालनी दोनों की मल्टीप्लीकेशन, हूँ आ जाएगी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तरीका की है फिर उही फस्ट रो नू सेकेंड कॉलम फस्ट कॉलम ना मल्टीप्लाई करांगे, थ्री टू दा सिक्स प्लस थ्री वन दा थ्री, फस्ट रो विद सेकेंड कॉलम, फाइव थ्री दा फिफ्टीन प्लस सिक्स वन दा सिक्स, फाइव टू दा टेन प्लस एट थ्री दा ट्वेंटी फोर, फाइव फाइव दा ट्वेंटी फाइव प्लस एट सिक्स दा फोर्टी एट, इन्हें सॉल्व करो, ये आ गया नाइन ट्वेंटी वन थर्टी फोर ते सैवनटी थ्री, देयर फोर लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लो लैफ्ट हैंड साइड जी आई सी ए बी ट्रांसपोज नाइन ट्वेंटी वन थर्टी फोर सैवनटी थ्री, ये भी यही आई नाइन ट्वेंटी वन थर्टी फोर सैवनटी थ्री, इन्हों से बोलते हैं रिवर्सल ला, ये थोड़ा प्रूव हो गया रिवर्सल ला। नेक्स्ट है बेटा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होंगी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे विच तुसी याद रखना इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक दैन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इहदा मतलब है कि अगर रोज़ नू कॉलम से चेंज कर भी दिंदे आ तो कोई फर्क नहीं पएगा, यानी कि अगर ए वन टू फस्ट रो का सैकेंड एलीमेंट वो ए टू वन के बराबर होएगा, ठीक है। इस तरह ही ए वन थ्री इज इक्वल टू ए थ्री वन एंड सोन, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी आईएथ कॉलम का जेएथ एलीमेंट कि बराबर होएगा जेएथ रो का आईएथ एलीमेंट जड़ा होएगा, वो आपस दोनों की होंगे बराबर होंगे। अगर इस तरह की कंडीशन अप्लाई होगी तो यदा मतलब की बन जाएगी कि मैट्रिक्स बन जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हम असी सॉल्व देखते हैं करके एग्जाम्पल्स, देखो एस फॉर एग्जाम्पल ये तुसी की ध्यान रखना है कि जिस तरह ये पहले लिख लो तुसी डायगनल एलीमेंट लिख लो, ये पहली गल याद रखनी है हमेशा जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये की होएगी स्केयर मैट्रिक्स होएगी, स्केयर मैट्रिक्स ये यानी कि रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होएगी। ये याद रखना कि सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जड़िया हो स्केयर मैट्रिक्स हो गई। हूँ मैं इतने थ्री बाय थ्री की लिखन लगी हाँ, पहले तो डायगनल एलीमेंट लिख लो कोई भी 107 लिख लिया मान लो, ठीक है। हूँ अगर यदा एलीमेंट ए टू के बराबर है यदा मतलब फस्ट रो का सैकेंड एलीमेंट यदा मतलब सैकेंड रो का फस्ट एलीमेंट जोड़ा वो भी टू के बराबर होएगा। अगर यदि वैल्यू -5 है यह है फस्ट रो का थर्ड एलीमेंट यदा मतलब थर्ड रो का फस्ट एलीमेंट वो भी -5 के बराबर होएगा। हूँ रह गया तेरे को ए मान लो असी लगाता 6 यह हो गया सैकेंड रो का थर्ड एलीमेंट ए 2 3 इज इक्वल टू ए 3 2 यानी थर्ड रो का सैकेंड एलीमेंट कि बराबर होएगा 6 दे, ठीक है। ऐसी सपोज कर लिया एक मैट्रिक्स है वह और यह नाँ रख दें लैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये बराबर है और मैट्रिक्स हूँ होर ले लें कोई मैट्रिक्स बी लै रहे हैं आप इतने पहले अगर 4x4 मैट्रिक्स लिख रहे हैं पहला तो काम की है कि डायगनल एलीमेंट लिख लो 7 8 5 -3 कोई भी लिख लो आ डायगनल एलीमेंट लिख लो, ठीक है। ये चेंज होंगे ये अलग अलग होंगे बाकी जो एलीमेंट है जिस तरह हूँ ए लिखा सी -1 यह है फस्ट रो का सैकेंड एलीमेंट तो सैकेंड रो का फस्ट एलीमेंट भी -1 के बराबर होएगा। यह हो गया 4 यानी कि फस्ट रो का थर्ड एलीमेंट तो फस्ट रो का थर्ड एलीमेंट मीनस थर्ड रो का हूँ फस्ट एलीमेंट भी 4 के बराबर होएगा। फस्ट रो का फोर्थ एलीमेंट अगर है 5 के बराबर यदा मतलब फस्ट का फोर्थ यानी ए 1 4 5 के बराबर है तो मतलब ए 4 1 मीनस फोर्थ रो का फस्ट एलीमेंट भी 5 के बराबर होएगा। इस तरह से यह लिखा -3 यदा मतलब ए हो गया सैकेंड रो का थर्ड ए 2 3 तो थर्ड रो का सैकेंड एलीमेंट वह भी -3 होएगा। अगर असी यह लिखते पे हैं 0 सैकेंड रो का फोर्थ एलीमेंट यानी ए 2 4 तो यह मतलब ए 4 2 इज इक्वल टू कि बराबर होएगा ए 4 2 का मीनस फोर्थ रो का सैकेंड एलीमेंट वो भी की होएगा 0। हूँ असी इतने लिख लिया 7 यानी कि ये की है थर्ड रो का फोर्थ एलीमेंट 3 4 यदा मतलब फोर्थ रो का थर्ड एलीमेंट भी 7 के बराबर होएगा, ठीक है। हूँ अगर यदि ट्रांसपोज लैके देखिए ए ट्रांसपोज पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखी है ए ट्रांसपोज लो ए ट्रांसपोज लिया यदा मतलब कि तरीका की हूँ ट्रांसपोज लैन का कि रोज़ नू कॉलम से चेंज कर दो 1 2 -5 कॉलम बन गया 1 2 -5 हूँ सैकेंड रो 206 सैकेंड कॉलम बन गया 206 थर्ड रो है कि -5 6 7 थर्ड कॉलम बन गया -5 6 7 हूँ ध्यान ना देखो इस
ये रोज चेक करो, 1, 2, -5 ये रो भी 1, 2 दिखे तो आप कॉलम वाइज ही, पर 1, 2, -5 2, 0, 6 ये भी 2, 0, 6 -5, 6, 7 -5, 6, 7 यानी कि वो रोज के कॉलम जड़े आ अगर असी चेंज कर भी दिते तो भी मैट्रिक्स कोई फर्क नहीं पाया, यदा मतलब सेम मैट्रिक्स आ गई। इस तरह बी मैट्रिक्स देखो, बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है 7, -1, 4, 5 फर्स्ट कॉलम बन गया 7, -1, 4, 5 हूँ सेकेंड रो है दी -1, -8, -3, 0 यदा मतलब सेकेंड कॉलम की बनना -1, -8, -3, 0 नेक्स्ट है 4, -3, 5, 7 हूँ एक कॉलम बन जाएगा 4, -3, 5, 7 हूँ आप लिखन लगे फोर्थ रो 5, 0, 7, -3 इन कॉलम्स लिखो 5, 0, 7, -3 हूँ चेक करो, लिखे अपन रोज़ नू कॉलम वाइज लिखिया हूँ, पर चेक करो 7, -1, 4, 5 यदि फर्स्ट रो भी 7, -1, 4, 5 नेक्स्ट रो है -1, -8, -3, 0 ए भी -1, -8, -3, 0 नेक्स्ट है 4, -3, 5, 7 4, -3, 5, 7 5, 0, 7, -3 5, 0, 7, -3 यानी कि असी इंटरचेंज करता रोज़ नू कॉलम च चेंज करता उसके बावजूद भी बी ट्रांसपोज दे एलीमेंट बी दे एलीमेंट्स के बराबर ही रहे, सेम उस पोजिशन पर रहे, यदा मतलब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए यदा मतलब की हुंदा है इन असीं की कहने हैं दीज आर कि मैट्रिक्स हो गई समेट्रिक मैट्रिसिस दो हो गई ना, इसके मैट्रिसिस लिखना दीज आर समेट्रिक मैट्रिसिस। नेक्स्ट है बेटा स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे विच बस उसे यही याद रखना है कि यदा ए आई जे एलीमेंट जड़ा वै वो दे माइनस ए जे आई दे बराबर होएगा, यानी कि ए ट्रांसपोज अगर असी करांगे तो वो माइनस ए दे नेगेटिव ए आएगा माइनस ए दे बराबर होएगा। ठीक है ए आई जे इज इकल टू माइनस ए जे आई का मतलब है कि अगर मैट्रिक्स ए दा असी लै रहे हैं 1, 3 यानी ए 1, 3 लै रहे हैं तो उधरों ए अगे तो समेट्रिक ए 1, 3 A3, 1 के बराबर होंदा सी, पर हुण A1, 3 जड़ा A3, 1 दे नैगेटिव दे बराबर होएगा, तो अगर वो नैगेटिव वैल्यू होएगी तो यदा मतलब वो की बन जाएगी स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स। तो नाले ये जड़े है A11 A22 A33 ए वाले एलीमेंट जड़े आ वो की होंगे 0 होंगे, ये सेम A11 A22 A33 एलीमेंट जड़े की है वो की होंगे 0 के बराबर होंगे, जिस तरह उन्हें चला रहे हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये जो डायगनल एलीमेंट की होंगे 0 उस डायगनल एलीमेंट अलग अलग होंगे सी ए भी डायगनल एलीमेंट की होंगे 0 के बराबर होंगे, ये भी जी मैट्रिक्स होएगी स्केयर मैट्रिक्स ही होएगी, यह याद रखना यह रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होएगी स्केयर मैट्रिक्स होएगी, ये डायगनल एलीमेंट की होंगे 0 अगर यदि वैल्यू है 1 है यदि वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 अगर ये -7 है यदि वैल्यू हो जाएगी 7 यदि वैल्यू अगर 3 है यदि वैल्यू हो जाएगी -3 यानी कि है वही है कि फर्स्ट रो का थर्ड एलीमेंट -7 है तो थर्ड रो का फर्स्ट एलीमेंट +7 है। ठीक है इस तरह फर्स्ट रो का सैकेंड एलीमेंट 1 है इतने सैकेंड रो का फर्स्ट एलीमेंट -1 है, यदा मतलब यह कंडीशन जी याद रखनी है कि डायगनल एलीमेंट जोड़े 0 होंगे और आई जी एथ एलीमेंट जोड़ा वह माइनस जी आई एथ एलीमेंट के बराबर होएगा। हूँ गल आनी है कि ये जी है जे एलीमेंट्स जोड़े डायगनल एलीमेंट्स है वो 0 के बराबर क्यों होंगे है। ठीक है वो 0 के बराबर क्यों आते हैं, देखो इन समेट्रिक मैट्रिक्स जड़ी है समेट्रिक मैट्रिक्स की होंदा वै ए आई जे जड़ा वै ओहो
माइनस ए जे आई दे उदी कंडीशन तो यही है ना कि ये जड़े ए वन थ्री ए थ्री वन के बराबर है, ए टू थ्री ए थ्री टू के बराबर है, पर इतने नैगेटिव के बराबर है, तो अगर नैगेटिव के बराबर वैल्यू आएगी तो वह हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो जिस तरह हूँ ए वन वन है, अगर ए वन वन जड़ा वै असी क्या ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री जड़े है वह सारे कि बराबर होंगे जीरो होंगे कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वाले एलीमेंट जोड़े जीरो के बराबर होंगे क्योंकि ये कंडीशन की है स्क्यू सिमेट्रिक की कि ए आई एथ आई जे एथ जोड़ा एलीमेंट है वो ए क्योंकि ए वन वन का एलीमेंट ए वन वन ही रहना है ना, वह कोई नैक्सट नहीं आना। ए वन वन अगर असं ले लें कि स्क्यू सिमेट्रिक माइनस ए वन वन के बराबर है यदा मतलब इधर आ जाएगा तो टू ए वन वन इज इक्वल टू जीरो, ए वन वन जोड़ा एलीमेंट वो कि बराबर हो गया जीरो के बराबर हो गया। ठीक है वो जड़ा वै जीरो के बराबर हो जाएगा, इस करके एवरी डायगनल एलीमेंट जड़ा वै वह जीरो के बराबर है क्योंकि असी लैने ना ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है ना, इस कंडीशन की होया कि इफ आई इज इक्वल टू जे, अगर आई तो जे बराबर है तो मतलब ए वन वन इज इक्वल टू माइनस ए वन वन, कंडीशन उही रही तो उत्थे ए वन वन की जगह पर माइनस ए वन वन तो डबल लगाता तो वह भी कि बराबर हो गया जीरो के बराबर हो गया, इस करके स्क्यू सिमेट्रिक एलीमेंट डायगनल एलीमेंट जोड़े है वह जीरो के बराबर होंगे है, जबकि सिमेट्रिक एलीमेंट के अलग अलग होंगे है पर स्क्यू सिमेट्रिक की होंगे है जीरो के बराबर होंगे एलीमेंट्स। ऐ हूँ देखो क्वेश्चन देखो, फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह हूँ तुम किस तरह पता लगेगा, आर्टिकल है फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स ए, तो यह याद रखना कि स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जड़िया वै स्केयर मैट्रिक्स होनिया चाहिए। फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, मतलब एंट्रीज जड़िया वै और रियल नंबर के बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आर्टिकल असी सॉल्व करांगे कि किसी ए मैट्रिक्स वास्ते ए प्लस ए ट्रांसपोज जड़ा वै वह सिमेट्रिक हुंदा है। देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूफ करने लिए की करांगे, तां ट्रांसपोज ले लिया सी, ट्रांसपोज नूं जो अंदर लै गए वह बन गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज। हुण ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज हो गया डबल ट्रांसपोज ए दे बराबर है, इहदा मतलब नूं दुबारा असी ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, तो यह सेम आ गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर यह कंडीशन आ जाए ये पॉजिटिव वैल्यू के बराबर आ गई, ट्रांसपोज की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के बराबर आ गई तो मतलब देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नैक्सट है सैकेंड पार्ट है, यह थोड़ा सीगा फर्स्ट पार्ट, सैकेंड पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हूँ यदा सॉल्व करके देखिए, ए आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए, हूँ ए हैगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए बन गया ए ट्रांसपोज माइनस ए,
सेम बनाने वास्ते असी नैगेटिव कॉमन ले लिया। हूँ ए पॉजिटिव हो गया तो ए ट्रांसपोज की हो गया नैगेटिव। हूँ ध्यान ना देखो इतने की होया कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जोड़ा वै वो नैगेटिव वैल्यू के बराबर आ गया। अगर नैगेटिव वैल्यू के बराबर आ गया देयर फोर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बन गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर।